हे गाइस व्हाट्स अप गाइस, मैं शांभवी पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस इंटरेस्टिंग से यूट्यूब सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपकी फेवरेट फ्रेजल वर्ब्स पे। जी हाँ गाइस, आज जी अल्फाबेट से हम लोग एक फ्रेजल वर्ब तैयार करने वाले हैं। उससे पहले गाइस मैं आपको एक अपडेट दे देती हूँ। 2nd of June यानी कि आपके नेक्स्ट मंथ के लिए बहुत ही तरीके से चीज़ें प्लान कर दी गई हैं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, जिनसे आप घर बैठ के बिना कहीं गए बिना कहीं आए बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं। साथ में आपको मिलेगा एक मॉक टेस्ट सीरीज का पूरा पैनल, जिसमें कि आप आराम से क्या कर सकते हो, अपने एनालिसिस का, प्रिपरेशन का क्या करोगे, टाइम टू टाइम देखते रहोगे प्रिपेयर हो या नहीं हो, अभी कहाँ पे लैक हो, राइट, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, कौन सा सब्जेक्ट अभी कमजोर है। तो गाइज ये सारी चीजें करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो बैच कोर्सेज आ रहे हैं ना आपके 2nd of June से, इनमें से किसी भी बैच कोर्स में आप जुड़ सकते हो। और इसमें भी तुम्हें बहुत बढ़िया एडवांटेज मिलेगा अगर तुम इस कोड का प्रयोग करते हो, दिस इज MAXLIVE, ये है आपका एक अनलॉक कोड। इसको जैसे ही लगाओगे ना वैसे ही तुम्हें 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और आप प्रोसीड टू पेमेंट करके जो क्रेडिट्स हैं उसको रिडीम करके अपना सब्सक्रिप्शन को प्रॉपर मैनर में डन कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो समझ में आ गया मैक्स लाइव जो लिखा हुआ है। चलो इसके बाद अब बात करते हैं जो द बेस्ट, जिसका आप सभी को इंतजार था गाइस, वो घड़ी आ गई है, फ्रेजल वर्ब। ये जो लिखा हुआ है ना, गेट थ्रू विथ, ये एग्जामिनेशंस में आप लोग खुद जब अपियर हो गए या कभी भी अपियर हुए हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, कई बार पूछा गया है। गेट थ्रू विथ का मतलब क्या होता है, गेट थ्रू विद समथिंग, इट सिंपली मीन्स टू फिनिश और कंप्लीट आ टास्क। आप अगर किसी भी टास्क को फिनिश कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, किसी कार्य को पूरा कर रहे हो, तो आप उसे गेट थ्रू विद कर रहे हो, मतलब उससे होकर गुजर गए हो, राइट। जैसे द मार्केटिंग टीम हैज गॉट थ्रू विद इट्स असाइनमेंट, जो मार्केटिंग टीम है किसी भी कंपनी में, डिफरेंट डिफरेंट टीम्स होती हैं, फाइनेंशियल टीम, मार्केटिंग टीम, प्रमोशनल टीम, राइट। तो कह रहे हैं जो मार्केटिंग टीम है ना वो क्या कर चुका है, अपने कार्य को पूरा कर चुका है, जो उसको असाइनमेंट मिला था वो वाला काम, राइट। तो बस याद रखना, कभी भी अगर गेट थ्रू विद आ जाए इसका मतलब है कि कोई भी काम क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, या टू फिनिश अ टास्क, ठीक है, क्लियर है, टू फिनिश अ टास्क, टास्क मतलब काम होता है जो लिखा हुआ है, तो टू कंप्लीट अ टास्क, टू फिनिश अ टास्क, या किसी कार्य को पूरा करने के लिए आप लोग फ्रेजल वर्ब गेट थ्रू विद लगा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है सभी को, बढ़िया वाला, ओके, ऑल राइट। बाकी ये मंथ्स लिखे हुए हैं, आप में से जिन जिन बच्चों को जो ड्यूरेशन रखनी है, बेटा ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त, मैं डेली तुम लोगों के लिए फ्री क्लासेस लेकर आती हूँ 1 बजे और रात के 10 बजे, कल से स्टे ट्यून्ड रहना, 1 बजे और रात के 10 बजे आपकी जो फ्री क्लास होती है, जिसमें दिन भर की आपकी प्रैक्टिस होती है, उसे भी करवाया जाएगा आपको, राइट, ओके गाइज, चलो फिर, गुड लक गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर, डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।